पबजी तो आखिरकार हमें छोड़कर चला ही गया, लेकिन हम उनमें से नहीं है जो पबजी की याद में सिर्फ आंसू बहाते रहे। हमने ढूंढ दिए हैं पबजी के बेस्ट अल्टरनेटिव, जिनको खेलकर हम अपना टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको गेम्स बताने वाला हूँ, कुछ गेम आपको मेड इन इंडिया भी देखने को मिलेंगे और कुछ बाकी कंट्री द्वारा डेवलप किए गए हैं। इन गेम्स को खेलकर आप पैसे भी कमा सकते हो और इन गेम को खेलने के बाद आपको पबजी की याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। खैर छोड़ो, चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। ये एक एक्शन पावर शूटिंग गेम है जिसमें आपको फाइटिंग करते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाने होते हैं और इस छक्के छुड़ाने में आपके दोस्त भी आपकी मदद करते हैं। आपके दो दोस्त होते हैं जो दुश्मनों को मार गिराने में आपकी मदद करते हैं। जो आपके दुश्मन होते हैं, जो एनिमी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनके पास पावरफुल गन्स होती हैं। उनका मुकाबला आपको करते हुए उनको मार गिराना होता है। जिस तरीके से पबजी में टीडीएम गेम होता है, उसी तरीके से ये है। अगर आप जो मर भी जाते हो तो फिर से रिवाइव हो सकते हो और फिर से जो दुश्मनों के सामने आ सकते हो और फिर से दुश्मनों को मार सकते हो। जिसके ज्यादा किल होते हैं वही इसमें विनर रहता है। तो देख सकते हो किस तरीके का गेम है, काफी जो कमाल का गेम है। इसमें आपको पावर हिटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप जो अपने दुश्मनों को एक हिटिंग में मार सकते हो। काफी कमाल का और हाई ग्राफिक का गेम है, तो आपको एक बार इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। ये एक बैटल रॉयल गेम है जिसमें आपको पबजी जैसा लुक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको पबजी जैसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है और पबजी की तरह जो स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको दो तीन मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे टीपीपी मोड देखने को मिल जाता है, एफपीपी मोड देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक शूटिंग का बटन देखने को मिल जाता है, मैनुअल फायर करने का बटन देखने को मिल जाता है। खास बात यह है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, तो जो भी आपकी मर्जी हो वो आप खेल सकते हो। उसके बाद स्टार्ट पे आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद पबजी जैसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इसका मतलब पबजी जैसे ही रूल इसमें होंगे। आपको कुछ टाइम वेट करना होता है लॉबी में और जब वेट आप कर लेते हो तो उसके बाद जो ये गेम शुरू हो जाता है। अब ये पबजी से अलग हो जाता है इस वक्त जिस वक्त प्लेन चल रहा होता है। इस प्लेन का कमांड आपके पास होता है, यानी ड्राइवर आप होते हो, पायलट आप होते हो। इस प्लेन को कहां ले जाना है वो आपकी मर्जी है। उसके बाद जो प्लेन को कंट्रोल करते हो, आपको जहां जाना है वहां चले जाइए और जब आपको लैंड करना है आप लैंड कर लीजिए। लैंड करने के बाद पबजी की तरह आपको इसमें जो है वो गन्स वगैरह इकट्ठे करने होते हैं, मेडिसिन वगैरह इकट्ठी करनी होती है और उसके बाद प्लेयर्स को ढूंढना होता है और उनको मारना होता है। जो भी आपको प्लेयर देखने को मिले उनको आपको किल करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे एक बंदा मिल चुका है, इस बंदे को मैं किल करता हूं। कंट्रोल्स भी पबजी जैसे ग्राफिक भी काफी हाई है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि ये जो है वो पबजी को मार देगा, क्योंकि पबजी एक अलग गेम है और ये एक अलग गेम है। पबजी जो है वो GB में है और ये MB में है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। तो गाइज ये गेम काफी कमाल का है, ये एक रॉयल बैटल गेम है, सर्वाइवल गेम है, तो आपको एक बार इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें भी जो आप आखिरी तक रहते हो तभी इसमें विनर रहते हो, आखिरी बंदे को अगर आप किल कर देते हो तो इसमें आप विनर रह जाते हो। तो काफी कमाल का गेम है। खास बात यह कि इसे आप जो है ऑफलाइन भी खेल सकते हो। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर आपका डाटा पूरा हो गया है, उसके बाद भी जो आप इस गेम को खेल सकते हो। काफी जो कमाल का लुक और एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। इस गेम की ग्राफिक्स भी काफी कमाल के हैं, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। तो देख सकते हो दोस्तों मैं आखिरी में आ चुका हूं और मैच का जो आखिरी बंदा बचा है, इस बंदी को भी मैं किल करूंगा तो मुझे जो है वो इसमें विनर बना दिया जाएगा। सो फाइनली मुझे जो है वो आखिरी बंदा मिल चुका है, आप देख सकते हो मैं इसको भी किल कर देता हूं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो इस बंदे को मैंने किल कर दिया और उसके बाद मुझे जो विनर बना दिया गया। ये एक शूटिंग गेम है जिसमें आपको मिशंस मिलते हैं, इन मिशंस को आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे आप मिशंस को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कुछ कॉइन मिलते हैं। इन कॉइन की मदद से आप डिफरेंट प्रकार के वेपन्स को अनलॉक कर सकते हो और अलग अलग वेपन्स की अलग अलग पावर होती है। ये गेम ऑफलाइन अवेलेबल है और इसमें जो मिशंस देखने को मिलते हैं काफ़ी कमाल के मिशन मुझे लगते हैं। सो आप भी इसका ट्राई कर सकते हो। इस गेम की खास बात सबसे ये है कि इसके जो ग्राफिक्स है काफ़ी कमाल के हैं और इसके जो एनिमेशन है वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो जब भी आप इसका सही निशाना लगा देते हो दुश्मन पर तो इसकी जो बुलेट है वो आपको चलते हुए दिखाई देगी और इसका जो एनिमेशन है वो आपको 3D में देखने को मिलेगा। तो आप अगर शूटिंग वाले गेम खेलना पसंद करते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी कमाल के सीन आपको इसमें देखने को मिलते हैं और अलग अलग मिशंस देखने को मिलते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।
हमारी अगली गेम का नाम है फ्रिग। बेसिकली एक शूटिंग एंड एक्शन गेम है जिसमें आपको एनिमी को किल करना होता है, जिसकी ज्यादा किल होंगे वही विनर रहेगा। बेसिकली इसमें आपको एक एरेना में छोड़ दिया जाता है जिसमें आपके टीममेट भी होते हैं, सामने एनिमी भी होते हैं, उन एनिमी को आपको किल करना है। बेसिकली ये पबजी के टीडीएम जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है कि अगर आप जो है वो मर जाते हो तो इसमें अलग अलग करेक्टर लेकर आप जो इसमें फिर से जिंदा हो सकते हो। बेसिकली इसमें जो है वो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो एनिमी होते हैं उनके घरों में जो है वो बेसिकली आपको एक पॉइंटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, उनको आपको जो किल करना है। उसके बाद उन पॉइंटिंग सिस्टम से आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे वही इसमें विनर रहेगा। इसमें आपके टीममेट भी होंगे जो भी आपकी मदद करेंगे दूसरे एनिमी को किल करने में। एक बार अगर आप खेलोगे तो काफी मजा आने वाला है। ये ऑफलाइन है तो ज्यादा बेटर ये आपके लिए हो सकता है। एक बार इसे जरूर ट्राई करना अगर आपको शूटिंग वाले गेम खेलना पसंद है तो। अगले गेम का नाम है स्कोर स्ट्राइक 3। ये एक शूटिंग गेम है जिसमें आपको दो मोड देखने को मिल जाते हैं, एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। जो भी आपको पसंद हो वो आप खेल सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मैप भी देखने को मिल जाते हैं। जिस मैप को आप खेलना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। अलग अलग मैप में अलग अलग लोकेशन दी गई होगी और अलग अलग लोकेशन की जो हाइडिंग सेटिंग भी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद इसमें आपको गेम को प्ले करना है। गेम को प्ले करने के बाद सामने का जो दुश्मन होंगे, एनिमी होंगे, वो 5 दिखाई देंगे और आप भी 5 होंगे, यानी कि 5-5 की जो टीम है और जो ज़्यादा किल करेगी वो विनर रह जाएगी। इसमें आप किल टारगेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि कितने किल जिसके ज़्यादा हो जाए वो विनर रहेगा। जिसमें आपको 50 का तक का टारगेट देखने को मिल जाता है, वो सिलेक्ट करने के बाद आपका मैच शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप एक एक एरेना में आ चुके हो। यहाँ पर आपको जो सिंपली कुछ नहीं करना होता है, दुश्मन को मारना होता है और दुश्मन को मारने के बाद सबसे ज्यादा किल अगर आप कर दो तो आप विनर रह जाओगे। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आप जो है एक बार मर जाते हो तो फिर से जो जीवन आपको मिल जाएगा, यानी फिर से आप जिंदा हो जाओगे और दुश्मन को मार पाओगे। इसमें बेसिकली पबजी के टीडीएम जैसा ही सिस्टम दिया गया है जिसमें आपको दुश्मनों को मारना है, चाहे आप कितनी ही बार मरो, जिस टीम के ज्यादा किल होंगे वही जो है इसमें विनर रहेगा। अब कम काफी एमबी का गेम है तो आपको जो है इसको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप शूटिंग गेम लवर हो तो। हमारे अगले गेम का नाम है कवर स्ट्राइक। बेसिकली एक शूटिंग गेम है जिसमें आपको फायरिंग करते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाने होते हैं या फिर एनिमीज को किल करना होता है। इसमें आपको एक टीममेट भी दिया जाता है जो आपकी मदद करता है दुश्मनों को मारने में। इसमें बेसिकली आपको एक एरेना में छोड़ दिया जाता है, वहां पर आपके जो दुश्मन होंगे वो घात लगा कर बैठे होंगे, उनको आपको किल करना है और जितने ज्यादा किल आपके हो जाते हैं, इसमें बेसिकली टारगेट दिया जाता है कितने दुश्मन को आपको किल करना है। उसके बाद जो है आपको पॉइंट मिलते हैं और उस पॉइंटों के आपसे आप इसमें विनर रहते हो। इसमें नए नए लोकेशन भी देखने को मिल जाते हैं, आप जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की लोकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो और जो है वो इसमें एनिमी को किल कर सकते हो। आपको टीममेट की रक्षा भी करनी है। आपका जो टीममेट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितने आप हो, तो आपको अपने टीममेट की रक्षा भी करनी है और एनिमीज को किल भी करना। अगर आप जो है वो FPP वाला गेम खेलना पसंद करते हो तो आप जो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑफलाइन है और इसका जो इंटरफेस है, ग्राफिक्स वगैरह काफी कमाल के हैं, तो आपको एक बार तो ट्राई से जरूर करना चाहिए। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे बोन्स गेम के बारे में। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। सो चलिए बात करते हैं हमारे बोन्स गेम के बारे में। तो हमारे बोन्स गेम का नाम है स्नाइपर अरेना। ये एक स्नाइपर गेम है तो इसमें आपको स्नाइपिंग मोड देखने को मिल जाता है। देख सकते हो काफी कमाल का गेम है और जो स्वयं भी से कम का देखने को मिल जाता है। इस गेम थोड़ा सा जो है डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हो कि इसको खेलने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो मैंने आपको गेम बताए वो ऑफलाइन है, लेकिन इस गेम को खेलने के लिए आपको जो इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको अलग अलग मैप देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत से जो मैप आप देखने को मिल जाते हैं, बहुत से मोड जो देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको मैप खेलना है वो खेल सकते हो। बेसिकली बाकी जो गेम मैप है वो लॉक्ड है, तो आपको उसे अनलॉक करना होगा। इसके लिए आपको कुछ जो पॉइंट इकट्ठे करने होंगे, कुछ मिशंस कंप्लीट करने होंगे। तो आप देख सकते हो ये माउंटेन वाला जो एक मैप है, इसको मैं आपको खेलकर दिखाता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैप जो है वो खुल गया और इसमें आपको कुछ साथी भी मिलते हैं जो एनिमी को मारने के लिए आपकी मदद करते हैं और वो भी एनिमी को मारते हैं। आपको माउंटेन्स के ऊपर, माउंटेन के नीचे कुछ जो है वो एनिमी देखने को मिल जाएंगे, दुश्मन जो देखने को मिल जाएंगे, उनको आपको जो है वो किल करना है। जो ज्यादा किल करेगा वही जो इसमें विनर रहेगा। तो आप देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव और ग्राफिक तो काफी
काफी कमाल का है भाई। और जो शूटिंग की, जो फायरिंग की आवाज है वो भी काफी कमाल की, और ऐसा लगेगा कि आप पबजी ही खेल रहे हो। अब अगर आपने मीरामार मैप खेला होगा तो इस तरीके का ही जो है वो माउंटेन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और इस तरीके से आपको इस मैप को खेलना है, इसमें आपको पबजी जैसा ही अनुभव होने वाला है। खास बात ये है कि ये जो है वो अंडर स्वयं भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप स्नाइपिंग करना पसंद करते हो या फिर स्नाइपिंग वाले गेम आपको पसंद है तो एक बार इसे जरूर ट्राई करना चाहिए, और उसके बाद आपको बताना चाहिए कि क्या पबजी एकमात्र ऐसा गेम है जिसको खेलने के बाद आपको स्नाइपिंग अच्छी लगने लगी या फिर ये गेम भी आपको अच्छा लगता है। सो गाइस ये थे पबजी के कुछ बेस्ट अल्टरनेटिव, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो इस सर्कल के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे और वीडियो देखने के लिए इन दोनों वीडियो में कोई भी वीडियो देख सकते हो। हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।